ऐसी कौन सी गलती है जो मैंने अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान की है और आपको नहीं करनी है? गलती नंबर एक, ओवर कॉन्फिडेंस। गलती नंबर दो, मॉक पेपर को सॉल्व ना करना। गलती नंबर तीन, कॉन्सेप्ट उसके बाद प्रैक्टिस उसके बाद मॉक पेपर, इस सीक्वेंस को ना फॉलो करना, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पढ़ के सीधा। गलती नंबर फोर, हर किसी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ना देखना, बस ये समझ लेना कि हाँ इतना आ गया, इतना सफिशियंट है, बस आगे बढ़ चलते हैं, और नहीं है। इन सारी चीजों को सुधार लो, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाय दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। ये थी आपकी गलतियां जो यूजुअली हो जाती हैं और ये हर एक स्टूडेंट कर देता है, तो उन गलतियों को नहीं होने देना है। जो भी लोग यहां पर पहली बार देख रहे हैं सेशन को या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि अब तो देखो क्लर्क के एग्जाम को लेकर ज्यादा दिन बचा नहीं है, है ना। चलो बाकी स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। ये बताओ आप में से सभी लोग, कितने लोग थे जिन्होंने कल वाला सेशन देखा था? कल हम लोगों ने किया था दोस्तों पेपर नंबर वन, आज हम करने वाले हैं दोस्तों पेपर नंबर टू। टारगेट कर रहे हैं 25 प्लस स्कोर करेंगे, ये आप लोगों को करना है, है ना। कल कितने लोगों ने देखा था सेशन मुझे बता दो। जो भी कॉन्सेप्ट कल दोस्तों हम लोगों ने सीखे थे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए आज हम करेंगे। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों 30 सेकेंड्स दूंगा मैं, उन 30 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है, आपको देखना है 30 सेकंड में आंसर करना है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, ये रहा पोल, लिंग अपोल नहीं, ये लेट ये रहा टाइम 30 सेकंड। जरा इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाइए, सीक्वेंस क्या बनेगा। ओके दोस्तों, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूं तो आराम से हमें दिखेगा। ये रहा, पढ़ते हैं दोस्तों सीक्वेंस क्या बनेगा। रीअरेंजमेंट का पढ़ना शुरू किया हमने। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इन्होंने ये कहा दैट दी मूवमेंट्स, सही लग रहा है, इनसाइड एन एटम, ठीक है, वर टोटली डिफरेंट, वो टोटली डिफरेंट थे जो मूवमेंट्स थे इनसाइड एन एटम, ठीक है। कब? व्हेन ही वाज वाचिंग देम फ्रॉम व्हेन ही वाज नॉट। हाँ, ये तो सही है, कब? व्हेन ही वाज वाचिंग देम फ्रॉम व्हेन ही वाज नॉट। ये तो एग्जैक्टली सही बन रहा है, एग्जैक्टली सही बन रहा है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी चेंज करेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। पहले ही बॉल पे छक्का पड़ गया, यहां पर जिगरा वाला क्वेश्चन आ गया। बोलो जी सबको समझ में आया कि नहीं, सब लोग एक बार लिखकर बताओ। बोलो जी सबको समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1, नो रीअरेंजमेंट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जरा इसमें दिमाग लगाएंगे दोस्तों, कम ऑन, 30 सेकंड्स में ही करेंगे, चलो कोशिश करो सब लोग। ओके, टाइम्स अप हो गया। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव आ गया, क्या बदलाव है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में हमें एक ये सेंटेंस भी पहचानना है, जब हमने देखा 1 2 3 4 5, कितने पार्ट हैं दोस्तों, पार्ट हैं इसमें 5, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन में कितने कितने दिए, 4 4 दिए हुए हैं, इसका मतलब कोई एक पार्ट है जो कि दोस्तों गलत है, इन अप्रोप्रिएट है, इन अप्रोप्रिएट पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं कि वो ऑड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस दोस्तों, ऑड सेंटेंस या फिर ऑड पार्ट है, उस ऑड पार्ट को हटाना है, अलग करना है, बाकी को रीअरेंज करना है, ऐसा क्वेश्चन होता है। वही क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने यहां दिया हुआ है, पढ़ के देखते हैं क्या बना। विद सफरिंग दैट इज परवेसिव, सफरिंग जो कि चारों तरफ है, परवेसिव है, स्प्रेड है, एंड अक्रॉस स्पीसीज, हर एक जाति प्रजाति में, स्पीसीज में, हायर प्लेटफॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इट एनगल्फ द एंटायर प्लैनेट, पूरे प्लैनेट को एनगल्फ कर लेता है, ऑल लाइफ इज इम्ब्यूड, पूरी की पूरी लाइफ इम्ब्यू है। अब ये आपने देखा जुड़ी हुई है, पूरा पूरा बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाएंगे,
आप एक देख रहे हो हायर प्लेटफॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सुन के अजीब लग रहा है, थोड़ा अलग है सी वाला पार्ट। जरा देखो कहां सी नहीं दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ, यहां नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ आप गेस वर्क कर सकते हो। अच्छा थर्ड में नहीं दिया हुआ, यानी ई ए डी बी है, जरा बनाकर देख लेते हैं बन रहा है तो ठीक है, वरना दूसरे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ये तरीका है कम टाइम में इसको सॉल्व करने का, आप जरा दिमाग लगाएंगे। इसे कि आपने ऑल लाइफ, पूरी की पूरे जो हमारा जीवन है इज इम्ब्यूड विद सफरिंग, वो सफरिंग यानी परेशानी कष्ट पीड़ा से इम्ब्यूड होता है, भरा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। दैट इज सो परवेसिव, जो इतना ज्यादा परवेसिव होती है यानी फैली हुई होती है, दैट इट एनगल्फ्स, कि हमारे अंदर भर जाता है, एनगल्फ हो जाता है द एंटायर प्लैनेट, पूरे की पूरी प्लैनेट में होता है, एंड अक्रॉस स्पीसीज, हर स्पीसीज में होती है, जो सफरिंग होती है हर एक स्पीसीज पूरी प्लैनेट में होती है, ये इतना ज्यादा एनगल्फ होती है, तो हमारी पूरी की पूरा जीवन इस तरीके का होता है। क्या ऑड है? ये वाला ऑड है, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर है। बोलो जी सबको समझ में आया ऑप्शन नंबर 3 को हमने कैसे लगाया, एक बार सब लोग मुझे बोल दो सबको क्लियर समझ में आ गया, बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है। कितने लोगों को बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है? आज गड़बड़ हो रखी थी ना कुछ, शायद चक्कर में नहीं हो रखा होगा विजिबल, एक बार देखो जरा, आज आज के लिए काम चलाओ जरा। बोर्ड कितने लोगों की विजिबल नहीं है ढंग से, क्योंकि आज मॉर्निंग में द हिंदू एडिटोरियल थी, चक्कर में नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और सही करवा लेंगे। सी हो गया, समझ गए, आज न्यूज़पेपर हो नहीं पाए थी चक्कर में दोस्तों, कुछ गड़बड़ा रखी थी बोर्ड में, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन, 30 सेकंड, देखो अपने पिक्सल बढ़ा लेना सही दिखेगा। करो जरा इसका आंसर फटाफट से करो। ओके हो गया दोस्तों, ठीक है, टाइम्स अप, समझते आगे क्या बना हमारा। When one is aware, जब एक व्यक्ति अवेयर होता है ऑफ द ट्रांजिटरी नेचर, ट्रांजिटरी का मतलब बदलता हुआ कोई चीज, वो ट्रांजिटरी है। सो when is aware of the transitory nature of life, जब व्यक्ति अवेयर होता है कि जिंदगी का ट्रांजिटरी नेचर को लेकर, सफरिंग कैन बी एक्सेप्टेड, सफरिंग को वहां पर एक्सेप्ट किया जा सकता है, सफरिंग मतलब कोई कष्ट कोई पीड़ा, उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ प्राइमोर्डियल नेचर। प्राइमोर्डियल का मतलब बेसिक नेचर, प्राइमोर्डियल का मतलब बेसिक नेचर ऑफ चेंज। ये तो एब्सोल्युटली बन गया, फिर से एब्सोल्युटली बन गया, कितने लोगों ने पूरी ताकत दिखाई और उसका आंसर ऑप्शन नंबर ई किया, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। फिर से हमारा दोस्तों नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो गया, बोलो जी सबको समझ में आ गया, फिर से नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो गया, कुछ भी चेंज की जरूरत यहां पर नहीं पड़ी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 30 सेकंड लेंगे, जवाब दें सभी लोग। ओके टाइम्स अप दोस्तों, ये वाला आपने बनाया, जरा बताएं, आओ जरा इसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या बन रहा है। बट दी ट्रू चैलेंज है वो बिगिंस, वो शुरू होता है, वो शुरू होता है, एन अपोलॉजी एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर माफी, इट इज इजी टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना आसान है, एक्सेप्ट करना आसान है, ओके एक्सेप्ट करना आसान है, ठीक है, एक्सेप्ट करना क्या आसान है पढ़ेंगे। एज वी टर्न आर बैक एंड मेंटल क्रिटिसिज्म टेक चार्ज, जैसे हम वापस देखते हैं पीछे क्या हुआ है और हमारे दिमाग में मेंटल क्रिटिसिज्म भर जाता है, देयर वे टू हैंडल योर एनिमीज, और उनके जो तरीके हैं एनिमीज को हैंडल करने के, तो इन सबको समझ के ये चीज समझ में आ रही है किन के तरीकों की बात हो रही है, कौन से दुश्मनों को हैंडल किया जा रहा है, किन के तरीकों की बात हो रही है। थोड़ा डाउट हुआ आपको कि ऑप्शन ये पार्ट नंबर ई जो है शायद ये ऑड सेंटेंस होगा, इसको दिमाग में रखकर आप ऑप्शन बनाएंगे, ई इसमें दिया है इसको छोड़ो, ई इसमें दिया है इसको छोड़ो, एक बार कोशिश करके देखते हैं ये वाला बनाने की, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो फिर हम दूसरा चेक करेंगे, ऐसे करके टाइम बचाओगे। सी से स्टार्ट किया आपने, इट इज इजी टू एक्सेप्ट,
इट इज इजी टू एक्सेप्ट एन अपॉलॉजी. अपॉलॉजी अगर हो रही है, कोई माफी मांग रहा है, इट इज इजी टू एक्सेप्ट एन अपॉलॉजी एट फेस वैल्यू. सामने से उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना आसान है, बट लेकिन जो ट्रू चैलेंज है वो शुरू होता है एज वी टर्न आर बैक. जब हम दोबारा देखते और हम कहते हैं अच्छा इसने तो मेरे बारे में बहुत बुरा कहा था, गुस्सा तो तब आती है. मतलब सामने से किसी ने कहा सॉरी भाई साहब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों में मिट्टी डालो. हमने कहा चलो ठीक है. आप मिट्टी डाल के वापस आ ही रहे थे, फिर आपको याद आया नहीं यार इसने तो उस दिन ऐसा किया था, ऐसा किया. ट्रू चैलेंज तो वहां से शुरू होता है. ये वाला कहना चाह रहा बन गया. इट इज इजी टू एक्सेप्ट एन अपॉलॉजी एट फेस वैल्यू, बट द ट्रू चैलेंज बिगिंस कब, एज वी टर्न आवर बैक एंड मेंटल क्रिटिसिज्म टेक चार्ज. मेंटल क्रिटिसिज्म दिमाग में आता है ना, क्यों रे इसने ऐसा ऐसा बोला था, ऐसे करके, तब ये हमारी बात हो रखी. यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. सीख गए? बोलो जी सर सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीख गए हम बढ़िया तरीके से, है ना. वेरी गुड दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ये रहा अगला क्वेश्चन, कम ऑन 30 सेकेंड्स. ओके, टाइम्स अप हुआ दोस्तों. क्या बनाया जरा पढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू विटनेस दी फर्स्ट थिंग, हाँ विटनेस करना मतलब हो जाता है चीजों को साक्ष्य बनाना, कि उसको साक्ष्य बनाने के लिए पहली चीज, द फर्स्ट थिंग लिखा जैसे हम लोगों ने, उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. द फर्स्ट थिंग आर परसेप्शंस एंड इवन बाय आर ओन डिजायर्स, इट वुड ऑल्सो गिव अस अ चांस. Colored by our past experiences, fears, anxieties, we need to realize is that most of our thoughts are low. कैसे बना? जैसे आपने कहा, we need to realize, हमें realize करने की जरूरत है क्या? Most of our thoughts, ज्यादातर जो हमारे thoughts होते हैं आर लगा हुआ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आर कलर्ड. हमारे ज्यादातर जो थॉट्स होते हैं दिमाग में वो रंग जाते हैं किससे? डी. ये आपका बना ई, ई के बाद बना डी, ये ई और डी बन रहा है ना, वो कलर हो जाते हैं किससे? बाय आर पास्ट एक्सपीरियंसेस से, डर से, फियर से, एंजाइटी चिंता से, आर परसेप्शन से, एंड इवन बाय आर ओन डिजायर्स, हमारी खुद की डिजायर से भी. ईडीबी कहां से बन रहा है? ईडीबी यानी उससे पहले आ जाएगा ए. पकड़ के देखो बना कि नहीं बना. इन ऑर्डर टू विटनेस द फर्स्ट थिंग को विटनेस करने के लिए वी नीड टू रियलाइज, हमें रियलाइज करने की जरूरत होती है वो ये, दैट मोस्ट ऑफ आवर थॉट्स आर कलर्ड बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स, एंजाइटीज, आवर परसेप्शंस एंड इवन बाय आवर डिजायर्स. हमारी डिजायर्स, हमारे परसेप्शंस, हमारी एंजाइटी चिंता, हमारा फियर, डर, हमारे एक्सपीरियंसेस इससे कलर्ड होते हैं. कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा. दैट इज द आंसर, यानी थर्ड इज द राइट आंसर. सी वाला ऑड है. समझ गए? बोले जी सर समझ गए हैं. डन, बढ़िया, सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, सीख गए, बहुत बढ़िया. आप लोगों के लिए एक चीज मैं दोस्तों बता दूं, जो कि मैंने कल आप लोगों के लिए कल मैंने आप लोगों के लिए किया था, वो देखो. आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, यहां पर आओ जितने लोग रह गए. देखो कल मैंने शाम को किया था इंग्लिश ग्रामर टॉप 10 रूल्स, ये मैंने कल करे थे, जाकर देख लेना ये वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है. और जो लोग नए आए हैं, कल वाला पेपर नंबर 1 कराया था, पेपर नंबर 1 को देख लेना, ठीक है. दिस इज फॉर यू. आ जाओ, पेपर नंबर 2 अपना चल ही रहा है, 5 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं पाव क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ग्रामर को लेकर है. ये रहा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. चलिए बताइए दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, बताओ आंसर करेंगे. ओके, टाइम्स अप. हाँ, क्या लिखा है जरा समझते हैं. वाइल इन जेल, जेल के दौरान, वाइल इन जेल, जब जेल में है, जेल के दौरान
हिटलर प्रिस्क्राइब द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टो माय स्ट्रगल। हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी और पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जिसका नाम था माय स्ट्रगल, उसको क्या किया? प्रिस्क्राइब किया। प्रिस्क्राइब क्यों करेगा भैया? प्रिस्क्राइब करना मतलब होता है किसी को सजेस्ट करना कि आप ये ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा कर लो। ये प्रिस्क्राइब तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लोग करते हैं, तो डॉक्टर के यहां रेफरेंस में हम लगाते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं लगेगा। हिटलर ने क्या किया? डिक्टेटेड द फर्स्ट वॉल्यूम, यानी कि पहला जो उसका पार्ट था, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, उसको डिक्टेट किया। डिक्टेट का मतलब होता है बोलना, कहना, बताना। डिक्टेशन से डिक्टेट बना, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। तानाशाही पे मत पहुंचना, डिक्टेट करना, बताना। जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं, किसी बुक के बारे में बताते हैं, किसी कंटेंट के बारे में बताते हैं, तो हम बताना डिक्टेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ये वाला बिल्कुल बन गया, ये तो बन जाएगा। व्हेन इन जेल हिटलर डिक्टेटेड द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टो माय स्ट्रगल। अपना माय स्ट्रगल बताया उसने, देख रहे हो खतरनाक, माय स्ट्रगल। अगला दिया है डेडिकेट, तो डेडिकेटेड तो हम नहीं लगाते, डेडिकेट का मतलब है आप कोई काम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, आपने कहा मैं ये काम इस व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, तो आई डेडिकेट दिस वर्क टू दैट पर्सन, है ना। तो डिक्टेट नहीं, डेडिकेट नहीं कर रहा है वो किसी के लिए भी। ओके, अगला वर्ड है टायरनाइज। टायरनाइज दिया है दोस्तों, विच मीन्स ये हो जाता है आपकी डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही दिखाना, क्रुएलिटी दिखाना। तो ऐसा क्रुएलिटी नहीं दिखा रहा, वो तो अपना माय स्ट्रगल बता रहा है बेचारा, है ना, कि मेरा कितना स्ट्रगल रहा है। तो आपका ये नहीं लगेगा, अकॉर्डिंग सेंटेंस ओनली वन लग जाएगा, दैट इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा, जो कि सही आंसर बनेगा। बोलो जी, सबको समझ में आया? बोलो जी, सबको समझ में आया? क्लर्क होगा तो क्लरिकल लेवल पर हमें इस तरीके से समझना होगा। डन है दोस्तों? बोले जी सर, है ना, बहुत सही, बढ़िया। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये रहा, चलिए 30 सेकंड दोस्तों जवाब देंगे सभी लोग, कम ऑन। ओके दोस्तों, टाइम्स अप, समय खत्म हुआ। पढ़ते हैं क्या बना, दी वांटेड अमेरिकन ड्रीम, वो ड्रीम जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होती है, जिसकी बहुत तारीफ होती है, ऐसी चीजों को वांटेड कहते हैं, VAUNTED, वांटेड, प्रेज वर्दी है कोई चीज, तो ऐसा ड्रीम। तो क्या ड्रीम है? दी वांटेड अमेरिकन ड्रीम, दी आइडिया, आइडिया क्या है? दी आइडिया दैट लाइफ विल गेट बेटर, की जो लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी, दैट प्रोग्रेस is inevitable, और जो प्रोग्रेस है वो inevitable है। inevitable मतलब उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो होनी ही होनी है, प्रोग्रेस होनी ही होनी है। इफ वी ओबे द रूल्स, अगर हम रूल्स का पालन करेंगे, एंड वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क करेंगे। ये अमेरिकन ड्रीम था, वॉन्टेड ड्रीम, हैज बीन रिप्लेस, और ये ड्रीम क्या है, रिप्लेस हो गया बाय अ हार्ड एंड बिटर ट्रुथ, एक कठोर और कड़वे सच से ये रिप्लेस हो गया है, यानी हो नहीं पाया लगता है, ये रिप्लेस हो गया। द सेंटेंस लुक्स एब्सोल्युटली करेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारे सामने ड्रीम, विच इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, हैज लग गया, ये ड्रीम रिप्लेस हुआ है, पैसिव बन रहा है, इसलिए हैज बीन रिप्लेस दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, नो इंप्रूवमेंट आएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बोलो जी, सबको समझ में आया? बोलो जी, सबको समझ में आया अच्छे से? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये देखो अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, चलिए दिमाग लगाएंगे, कम ऑन एवरीवन। ओके दोस्तों, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया, जरा समझते हैं क्या बना।
एम्बेजल का मतलब पैसों की हेरा फेरी करना, चुराना इधर उधर से। आप ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया ये रुपए हैं, इसको संभाल के रखना। आपने कहा हाँ ठीक है भाई साहब, ये संभाल के रखेंगे, और नोट एक गया जेब में। बाकी तो कह रहे इतना ही तो था, बाकी खर्च हो गया, चाय पी ली हमने 2000 रुपए की तो। ये होती है हेरा फेरी करना। सो देवर एम्बेसलिंग फंड्स, वो फंड्स को एम्बेसल कर रहे थे राइट अंडर हिज नोज, की नाक के नीचे से ही, विच लिटरली नाक के नीचे नहीं, हाइपोथेटिकली है ना, तो राइट अंडर हिज नोज, विच लेटर गॉट हिम इनटू ट्रबल, जो बाद में उसको परेशानी में उसने डाल दिया विद द वाइस चेयरमैन। ये सेंटेंस तो एब्सोल्युटली ये भी करेक्ट है। व्हाट डू वी नीड टू चेंज, हमें बिल्कुल चेंज की जरूरत नहीं, नो इंप्रूवमेंट, ये भी है। एग्जाम में अगर कोई 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें ऑप्शन नंबर ई आंसर आ जाएगा, तो दिमाग ना हमारा ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो ऐसे नहीं हो सकते कि तीनों की दोनों नो इंप्रूवमेंट, लगता है मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो आप जबरदस्ती उसको नो इंप्रूवमेंट नहीं करके एक आध दो को कुछ ना कुछ लगाया होगा, ये मत करना। खुद में कॉन्फिडेंस रखना, हमें आता है, मैंने पढ़ा, सही लग रहा है तो सही ही करके आऊंगा। एक में चाहे नो इंप्रूवमेंट आए, चाहे सब में नो इंप्रूवमेंट आए, जितने में आएंगे उतने में लगाएंगे। मैं इस चीज का कॉन्फिडेंस आपको देना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बोले जी सर समझ में आ रही है, हम ऐसी गड़बड़ नहीं होने देंगे, ठीक है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी। अगला क्वेश्चन लो, करो जरा इसको करो। लगाया दिमाग, क्या बना बताएंगे। हाँ, although there are now stringent legal restrictions, stringent का मतलब होता है strict, stringent का मतलब होता है दोस्तों strict, strict मतलब there are now strict legal restrictions हैं on the amount of lead इन पेंट इन गैसोलाइन, गैसोलाइन और पेंट में लेड की कितनी मात्रा है, इसको लेकर स्ट्रिक्ट लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेड इज स्टिल फाउंड, लेड फिर भी पाया जाता है ऑन पेंटेड वॉल्स एंड विंडो फ्रेम्स में। डोंट यू थिंक इट ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट है? फिर से ऑप्शन नंबर ही आया, सबने लगाया, बाद में तो चेंज नहीं किया किसी ने, पक्का ना? ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ई, कोई बदलाव नहीं है, नो इंप्रूवमेंट हमारा फिर से आएगा, सही है। हमारे पास जितने भी ऐसे आएंगे जिसमें लगता नहीं बदलाव नहीं, तो बदलाव नहीं है, कोई बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, 30 सेकेंड बताओ। ओके दोस्तों, टाइम्स अप, खत्म। जरा पढ़ के देखते हैं क्या बनेगा। द साइकिल ऑफ वायलेंस हाइपोथेसिस, वायलेंस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है दोस्तों कोई तथ्य बना लेना कि कोई चीज कैसी हुई होगी, कोई अनुमान निकालना कि ये चीज हुई होगी तो कैसे हुई होगी, किस तरीके से हुई होगी, दैट इज द हाइपोथेसिस। तो जो साइकिल बनती है वायलेंस हाइपोथेसिस की, वो ये है कि किसी के साथ वायलेंस हुआ होगा, फिर उसने किसी और के साथ वायलेंस किया, फिर उसके साथ वायलेंस हुआ तो उसने किसी और के साथ वायलेंस किया, ये होती है दोस्तों वायलेंस हाइपोथेसिस। तो उन्होंने कहा दी साइकिल ऑफ वायलेंस हाइपोथेसिस पॉइंट्स, ये पॉइंट करती है टू द लाइकलीहुड, यानी कि ऐसी संभावनाएं हैं, लाइकलीहुड ऐसी संभावनाएं हैं, द पीपल, वो लोग, हु वॉज नहीं आएगा पीपल के लिए, वर आएगा, वो लोग हु वर अब्यूज्ड एज चिल्ड्रन, जब बच्चे थे जब उनको अब्यूज किया गया था, मे टर्न इनटू अब्यूजर्स एज एडल्ट्स, तो वो अब्यूजर्स में बदल सकते हैं जब वो अडल्ट हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने हाइपोथेसिस बताई इसकी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बन रहा है सूटेबल, दैट
दोस्तों देखना अब आ गया क्या, बताओ आया कि नहीं आया, जरा मेरे को बताओ। आज इसको लग गई है नजर। वो मेरे बोर्ड में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ रखी, तो मैंने बताया था एक डिवाइस है, तो वो मॉर्निंग में एडिटोरियल जिस वजह से नहीं हो पाया और अभी अपना ये रुका। बट डोंट वरी, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, ठीक है? सबको तो दिख रहा है, आज हम इससे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग इससे कर लेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप इसको करो, टाइमर हम गैस करके करेंगे, ठीक है? इसको करो है ना, अब इसलिए करेंगे, मेरे को थोड़ा थोड़ा बस देना टाइम, जवाब दो आप इसका, ठीक है? सभी लोग वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है? अब ब्रेक नहीं होगी, अब ब्रेक नहीं होगी, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, ठीक है? आंसर होगा जरा देखो बताओ। आंसर आ गया आपका, यार ये हैंग हो गया मुझे तो ऐसा लग रहा है। दोस्तों दोस्तों आपसे एक बात बोलूं, एक काम कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में वॉइस प्रॉब्लम भी आ रही है। एक काम कर ले रहे हैं दोस्तों, वो ये कर ले रहे हैं कि आप मेरे को टाइम दो, शाम को कर लें ये वाला पेपर। बोलो ये पेपर शाम को कर लें क्या, 4:30 बजे? जितनी आवाज आ रही है उतने के हिसाब से बोलो, पेपर पूरा शाम को कर ले रहे हैं 4:30 बजे? बोलो शाम को कर लें 4:30 बजे, आज 4:30 पर ऐसे कर ले रहे हैं, क्योंकि हैंग हो रहा है, बीच बीच में दिक्कत आ रही है। मैं सब सही करवा लूंगा इसको दोस्तों, हो जाता है, टेक्निकल चीजें ग्लिचेस होती हैं, ठीक है? शाम को 4:30 पे मिलेंगे, तो आप में से सभी लोग है ना 4:30 पे मिलना दोस्तों, आज शाम को 4:30 बजे करेंगे, ठीक है दोस्तों? सबने सुन लिया एक बार, सब लोग यस बोल दो। शाम के 4:30 बजे हम इस पेपर को दोबारा लगाएंगे और इस पे लिखेंगे रीस्टार्ट, ठीक है? उस पे लिखेंगे रीस्टार्ट, थंबनेल में जरा एक बार समझ लेना कि रीस्टार्ट है, तो आज हम कर रहे हैं रीस्टार्ट पेपर नंबर 2, ठीक है? आज शाम के 4:30 पे करेंगे रीस्टार्ट, लिख दूंगा थंबनेल पर मैं। चलो अभी खत्म करते हैं दोस्तों, दिक्कत आ रखी है बट अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे शाम के 4:30 बजे, यूट्यूब पर ही करेंगे, स्पेशल पर नहीं, यूट्यूब पर, ओनली यूट्यूब पर, ठीक है दोस्तों? ओके थैंक यू दोस्तों वेरी मच कोऑपरेट करने के लिए, और शाम को करते हैं ढंग से, आप टेंशन मत लो, आज मैं करवाता हूँ।